राजघाट थाने की पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में घायल किया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि 17 दिसंबर को मुखबिर ने सूचना दिया कि वांछित 10,000 का इनामी अपराधी अपने एक साथी के साथ चक्रादोयम अमरूद बगिया में मौजूद है, जिसकी सूचना पर थानाध्यक्ष राजघाट अपने टीम के साथ अमरूद बगिया चक्रादोयम पहुंचे एवं गाड़ियों को बगिया के बाहर खड़ा कर मुखबिर को साथ लेकर पैदल पगडंडी से मुखबिर के बताए स्थान के निकट पहुंचे। थोड़ी देर बाद दो लोगों के आने की आहट पाकर मुखबिर इशारा करके हट गया। नजदीक आने पर पुलिस द्वारा टॉर्च दिखाकर रुकने का इशारा किया तो आगे चल रहे व्यक्ति ने एकाएक बाएं मुड़कर पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए घने जंगल में भागने लगा। पुलिस बल द्वारा पीछा किया गया तो दोबारा जान से मारने की नीयत से पुलिस बल पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ में पुलिस बल की जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त घायल हो गया व दूसरा बदमाश अंधेरे एवं घने जंगल का फायदा उठाकर भाग गया। घायल अभियुक्त की पहचान राजनिषाद पुत्र बाला लखंदर निवासी चकरा अव्वल थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसको देखते हुए घायल अभियुक्त को तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया। अभियुक्त का इलाज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जिसकी स्थिति सामान्य है, जिसके पास से एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि अभियुक्त के ऊपर विभिन्न थानों में मुकदमा दर्ज है, जिसको ठीक होने के बाद जेल भेज दिया जाएगा। मुठभेड़ में राजघाट थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह, टीपी नगर चौकी प्रभारी कुंवर गौरव सिंह, उप निरीक्षक शैलेंद्र मिश्रा, कांस्टेबल देवेंद्र यादव, अशोक यादव, रोशन बिंद, नवी रसूल, सनद जयसूर्या शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, किनारे करो क्या नाम तुम्हारा? दो बार नहीं और आगे से जोर से बोलो, आगे पर दर्द नहीं हुआ? नहीं हो रहा? माना ना पड़े हम दोबारा रिपीट काम करते हैं। जनपद गोरखपुर के थाना राजघाट के टीपी नगर अमूरतानी क्षेत्र के मैं आज सुबह जब टीपी नगर चौकी प्रभारी एवं अल्फाटू एसओ राजघाट भ्रमण पर थे, तब उनको मुखबिर खास से सूचना मिली कि एक अभियुक्त राजनिषाद जो कि 10,000 का इनामिया है एवं हत्या के अभियोग में भी वांछित है और गैंगरेप के भी अभियोग में वांछित है, वो वहाँ किसी से मिलने आया है। उस सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की। घेराबंदी करने पर अपने आप को ऐसा महसूस करने पर उसने अपना तमंचा निकाला और तमंचे से फायर किया पुलिस पार्टी पर। जवाबी फायरिंग में उसके पांव में गोली लगी और वो वहीं गिर पड़ा और दूसरा उसका साथी वहां से भाग गया। इस पर पुलिस द्वारा तत्काल उसके पास पहुंचकर उसको क्राइम सीन को कवर करके उसको अस्पताल ले जाया गया एवं उसका ट्रीटमेंट कराया गया। उसकी स्थिति सामान्य है, वो स्थिर है एवं 10,000 रुपये की इनामिया इसको पकड़ने के लिए राजघाट पुलिस एवं टीपी नगर चौकी प्रभारी को बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। यह उल्लेखनीय है कि इस व्यक्ति द्वारा इसी साल थाना खोराबार के डांगीपार ग्राम में एक विकी ठठेरा नामक व्यक्ति को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के बाद में चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी थी एवं यह एक थाना राजघाट के ही गैंगरेप के एक अभियोग में पार्ट पेंडिंग विवेचना में ये एक वांछित है। थैंक यू।